अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ फैज़ान रहमत। आज आपको बताएंगे ईदो तेगा की चोचन के बारे में। ये है हाथ से बनी कागजी लालटेन और मुझे यकीन है बहुत से लोगों ने इसे जापानी कल्चर आइकन की तरह देख रखा होगा। सदियों पुरानी ये सकाफती रवायत आज भी जिंदा सलामत है। 99% रेस्टोरेंट आज भी इसे रेस्टोरेंट के बाहर सजाते हैं। रोशनी के अलावा रेस्टोरेंट का नाम दूर से नजर आ सकता है। लोहे की बारीक तार और बांस की डंडियों से एक जाल बनाया जाता है, फिर उस पे हाथ से बना कागज चस्पा किया जाता है और फिर उस पे इबारत लिखी जाती है। कारोबारी नाम और तफसील के अलावा दुआया कलमात भी लिखे जा सकते हैं। बहुत से जापानी लोग नए साल की खुशी में इस लालटेन को रोशन करके घर के सदर दरवाजे के बाहर लटकाते हैं। सदियों पहले जापान में घर के बाहर रोशन लालटेन को लटकाना अमीर होने की तरफ एक खास इशारा था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बड़े सगीर और अरब में घर के बाहर चिराग रोशन करना। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।